देखो तो सबसे पहले अभी तक जितना लेक्चर में तुमने किया, दो पोर्शन है, एक ब्रिटेन की संसद और एक इस लेक्चर का दूसरा पक्ष कौन था, भारत। ठीक है, ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत में एक जो कंपनी काम कर रही थी, कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फेज वन में ब्रिटेन की जो संसद है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, संसद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या भेजती थी, चार्टर। इतनी बात क्लियर हुई। चार्टर जो ब्रिटेन की संसद के द्वारा भेजे गए कौन कौन से थे, 1773 से लेकर के, और कब तक भेजे ये चार्टर, 1853 तक। 73 का चार्टर एक्ट आया, 73 के बाद हर 20 साल के बाद कोई ना कोई चार्टर एक्ट आता था। जैसे 1773 के चार्टर एक्ट में जो कुछ दिक्कतें हुई, उन दिक्कतों को खत्म करने के लिए फिर समय समय पर और भी एक्ट बने, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, 1853 तक, 1853 ईस्वी आते आते तक क्या हो गया था, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो पूरे इंडिया के लिए कानून बनाता था ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया के लिए कानून बनाता था। इसकी दो काउंसिल हुआ करती थी, एक को एग्जीक्यूटिव बोलते थे, एक को लेजिस्लेचर बोलते थे। 1853 के एक्ट में जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें कितने मेंबर बैठ गए थे, चार। और एग्जीक्यूटिव मेंबर के अलावा जो लेजिस्लेचर काउंसिल था उसमें कितने सदस्य बैठाए गए थे, छह। तो चार मेंबर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, छह मेंबर लेजिस्लेचर काउंसिल के अंदर थे। और 1853 से नियम क्या बना कि कानून का निर्माण पूरे इंडिया के लिए कौन करेगा, लेजिस्लेचर, ये कानून बनाएंगे। पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही भारत के लिए कानून का निर्माण किया करता था। 1853 के बाद इंडिया के लिए लॉ मेकिंग की पावर किसको दे दी गई, लेजिस्लेचर काउंसिल को दे दी गई। तो अब कानून बनाते थे लेजिस्लेचर, और ये कानून बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूटिव के पास भेजते थे, एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल के पास भेजता था, और पूरी कहानी चलती थी। 1853 ईस्वी से पहले, 1853 ईस्वी से पहले ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको रेगुलेट करने के लिए स्टार्टिंग में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ एक संस्था होती थी, उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, पर 1784 फिट्स इंडिया एक्ट में एक और संस्था बना दी गई, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसका मेन काम क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पॉलिटिकल इशू देखना, उसके राजनीतिक कार्यों को देखना। ठीक है, और व्यापारिक कार्य पहले भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था, अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देख रहा है, सेम कहानी चल रही थी। ठीक, अब 1857 का रिवॉल्ट जो है, 1857 की जो क्रांति है, उसको एक प्रमुख घटना माना जा सकता है आगे आने वाली घटनाओं के लिए। 1857 में क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद ने इस बात की जांच करने के लिए कि 57 की क्रांति क्यों हुई है, कौन है रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए भारत में एक आयोग भेजा, नील आयोग। नील आयोग इंडिया में आया, और नील आयोग ने भारत में आने के बाद जैसे ही इंडिया में पहुंचा, तो नील आयोग जैसे ही इंडिया के अंदर एंटर किया, उसने 1857 की क्रांति का जिम्मेदार किसको माना, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसने ब्रिटेन की संसद को यह सजेशन दिया कि आपको इस कंपनी को खत्म कर देना चाहिए। और 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन संसद के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया, और इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, भारत का जो प्रशासन था, वो डायरेक्टली अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ, एकदम से बदलाव हो गए। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जब चेंज हुआ, तो चेंज होते समय यहां पर सबसे पहले जो एक्ट ब्रिटेन की संसद ने अब भारत के लिए भेजा, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। और ये कब भेजा गया, 1858। इससे पहले ब्रिटेन की संसद एक्ट बना करके भेज रही थी किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। 1857 की क्रांति के बाद अब कंपनी तो खत्म हो गई, तो इंडिया के लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट किसके अंडर में आ गया, कंपनी के, ब्रिटेन की संसद के अंडर में। तो ब्रिटेन की संसद ने फिर भारतीयों के लिए एक एक्ट बना करके भेजा, और उसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और कौन से साल में भेजा, 1858। क्या क्या परिवर्तन हुए देखो, परिवर्तन नंबर एक ये कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की इन संस्थाओं को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी खत्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी खत्म। इसके स्थान पर भारत के मामलों को ब्रिटेन की संसद में उठाने के लिए एक भारत परिषद, इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। भारत परिषद जो बनाई गई 1858 के एक्ट के तहत, इसमें टोटल मेंबर होते थे 15, इनका एक अध्यक्ष होता था, और भारत परिषद का जो अध्यक्ष बनाया गया उसे क्या बोलते थे, भारत सचिव। सबसे पहला व्यक्ति जिसने भारत सचिव के पद पर बैठा कौन था, लॉर्ड स्टैनली। तो ब्रिटेन की संसद ने यह डिसाइड किया लॉर्ड स्टैनली होंगे भारत सचिव, और लॉर्ड स्टैनली अपने साथ 15 आदमियों को लेकर के ब्रिटेन की संसद में भारत की मुद्दों को, जो भारत के मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठाएंगे।
ठीक है, ये बेसिक सी बात करी। अब भारत परिषद बन गई, भारत सचिव आ गया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिस जगह पर था अभी भी उसी जगह पर था, इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो चार मेंबर थे उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कितने मेंबर थे? चार। अभी भी कितने रखे? चार। जो इसका लेजिस्लेचर काउंसिल था उसमें कितने मेंबर होते थे? छह। अभी भी कितने रखे? छह। बस एक बदलाव हुआ कि 1853 ईस्वी में इस लेजिस्लेचर काउंसिल में आने वाले ये जो छह मेंबर थे इनके लिए क्लियर था, जैसे इनमें से एक जो कलकत्ता का सीजीआई होगा वो होगा, एक कलकत्ता का जज होगा, तो ये छह लोग जो पहले से प्री डिसाइडेड थे वो खत्म हो गए। और अब 1858 के बाद क्या नियम बना? 1858 के इस एक्ट में ये नियम बनाया गया कि ये जो छह लोग हैं ये कहां से आएंगे, इनको वाइसराय नॉमिनेट करेगा, वाइसराय के द्वारा इन सदस्यों को नामित किया जाएगा, वाइसराय इनको नॉमिनेट करेगा, तब आएंगे यहां पर। 1858 के एक्ट में ये सारे प्रावधान कर दिए गए। 1858 का ये एक्ट खत्म हुआ और खत्म होते होते हमें दो चीजों के बारे में बताता है कि नीचे तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह कौन आ गया? भारत परिषद। तो इस पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा जितने भी एक्ट आगे आएंगे। और ये भी स्पष्ट कर दिया इस एक्ट में कि आगे के सारे नियम कानून जो है इंडिया के लिए कौन बनाएगा? भारत परिषद। ये 15 लोग जो है यही इंडिया के लिए आगे आने वाले एक्ट तैयार करेंगे। इस भारत परिषद के मेंबर्स के द्वारा इंडिया के लिए तुरंत से एक एक्ट बनाया गया, उस एक्ट को क्या बोलेंगे? इंडियन काउंसिल एक्ट। क्योंकि वो एक्ट बनाया किसने था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इन्होंने बनाया था ना, तो उस एक्ट को नाम क्या दिया गया? उसको नाम दिया गया भारत परिषद अधिनियम। और ये भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद ने भारत के लिए जो पहला एक्ट बनाया उसका नाम ही क्या था? भारत परिषद अधिनियम। कब बनाया गया? 1861 में। 1861 में ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट बना इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस कर दिए भारत परिषद ने इंडिया में। क्या क्या मेजर चेंजेस हुए? सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो एज इट इज रहा, क्योंकि 1858 में ये क्लियर हो गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है जो पहले भारत के लिए काम करता कंपनी के लिए काम करता था अभी किसके लिए काम करने लगा? ब्रिटेन की संसद के लिए। पहले तो ये कंपनी के अंडर काम करता था ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1858 में ये नियम बन गया क्योंकि आप अब कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हो, अब ये ब्रिटेन की संसद के लिए काम करता था, तो इस चीज के लिए इसको नाम दे दिया गया वाइसराय। 1858 के एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहा जाने लगा? वाइसराय। और पहला जो वाइसराय जो इस पोस्ट पर बैठा कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो कैनिंग अभी गया भी नहीं था, और कैनिंग के जाने से पहले ही इंडियन काउंसिल ने, भारत परिषद ने एक एक्ट बना करके भेज दिया और उसको नाम देते इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861। अब इस 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में बड़े बदलाव नहीं हुए, वाइसराय जहां पर था वहीं पर है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें पहले कितने मेंबर होते थे? चार। पहला नियम ये बनाया कि अब वाइसराय की इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर चार नहीं होंगे, कितने कर दिए जाएंगे? छह। वाइसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या अब चार से बढ़ा करके कितनी कर दी? छह। एकदम से छह नहीं करी, चार तो पहले से थे, देखो 1, 2, 3, 4, चार पहले से थे। ये पांचवा वाला मेंबर 1861 में ऐड हुआ और ये छठवा वाला मेंबर 1874 में ऐड हुआ। एक बड़ा जो मेजर चेंजेस था 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में, जो एक बड़ा परिवर्तन किया गया वो ये था कि ब्रिटेन की संसद ने या भारत परिषद ने ये नियम बना दिया कि वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठे हुए ये जो छह लोग हैं, वाइसराय की कार्यकारी परिषद में बैठे हुए ये जो छह लोग हैं, इन छह के छह लोगों को भारत के लिए, भारत का शासन चलाने के लिए एक एक विभाग आवंटित कर दिया जाए। पहले तो ये चार लोग बस वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर कहलाते थे, लेकिन अब वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठे हुए ये जो छह लोग हैं, इन छह लोगों को पर्टिकुलर हर एक आदमी को एक विभाग दे दिया गया। जैसे एक को गृह मंत्रालय दे दिया, एक को न्याय मंत्रालय दे दिया, एक को राजस्व मंत्री बना दिया, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट। 1861 में जो फिफ्थ मेंबर ऐड हुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो एज ए लॉ मेंबर ऐड हुआ, न्याय मंत्री के तौर पर उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित किया गया। और 1874 में जो सिक्स्थ मेंबर ऐड हुआ, छठवां मेंबर यहां पर ऐड किया गया, उसको पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण मंत्री के तौर पर यहां ऐड किया गया। तो 1861 के इस इंडियन काउंसिल एक्ट की पहली बड़ी विशेषता क्या दिखाई दी? कि एग्जीक्यूटिव को पहली बार विभाग बांटे गए,
और एग्जीक्यूटिव को बांटे गए इन विभागों से भारत में जिसे एक नई प्रणाली की शुरुआत हुई, क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम। तो वो कौन सा एक्ट था जिसने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत करी? 1861 का एक्ट, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस जिस एक्ट ने किया, और आज तक चल रहा है पोर्टफोलियो ना। प्रधानमंत्री क्या करते हैं आज के समय, अपने सांसदों में से कुछ लोगों को चुन के मंत्री बनाते हैं और हर आदमी को एक-एक काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने सबसे पहले यहां पर क्या किया, विभागीय प्रणाली शुरू करी, पोर्टफोलियो सिस्टम को स्टार्ट किया। एक पॉइंट, हर किसी को डिपार्टमेंट दे दिया गया। विभागीय प्रणाली जिस एक्ट ने हमें दी वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के समय भारत का जो वॉइसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए भारत में विभागीय प्रणाली का जनक किसको भी कहते हैं, लॉर्ड कैनिंग। तो एग्जीक्यूटिव में तो बस इतना ही हुआ, क्या परिवर्तन हुआ एग्जीक्यूटिव में, जो मेंबर है वो 4 से बढ़के कितने हो गए, 6, और जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर है उनको विभाग बांट दिए गए हर एक आदमी को। लेजिस्लेचर में क्या चेंज किया इस एक्ट में, लेजिस्लेचर के लिए इस एक्ट ने ये नियम बना दिया कि पहले जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 आदमी बैठे होते थे, अब इनकी संख्या 6 से लेकर के 12 के बीच कितनी भी हो सकती है, मतलब कम से कम 6 लोग तो बैठेंगे, इससे अधिक कितने बैठ सकते हैं, 12। और 1861 के इस इंडियन काउंसिल एक्ट ने जो बड़ा बदलाव किया वो ये था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठे गए ये 6 से लेकर 12 तक जो मेंबर थे, इन मेंबर को हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 6 आदमी आते थे 1858 के एक्ट के तहत, वो सब वॉइसराय के द्वारा नॉमिनेटेड होते थे। 1861 में इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और कहा गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर आएंगे वो 2 प्रकार के होंगे, कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो ऑफिशियल मेंबर कहलाएंगे यानी सरकारी सदस्य, इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो इंडिया में किसी गवर्नमेंट जॉब को कर रहा हो, ICS, IAS, IPS की नौकरी कर रहा हो, उनको यहां पर रखा जाएगा, और कुछ सदस्यों को अब गैर सरकारी सदस्य के रूप में यहां पर ऐड किया जाएगा। गैर सरकारी सदस्य के रूप में देखो, जो सरकारी होंगे वो कहां से आएंगे, कौन भेजेगा सरकारी सदस्य, भाई इंडिया में IAS भी अगर आप भेजते हो तो कितने IAS हैं, बहुत सारे होंगे, और यहां आपको सिर्फ 6 से 12 के बीच में भेजने, तो कौन डिसाइड करेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन बैठेगा? तो सरकारी सदस्यों का डिसीजन तो भारत परिषद ले लेगा, लेकिन गैर सरकारी सदस्य के रूप में वहां पर किसको भेजना है यह डिसाइड करने का पावर किसके पास था, वॉइसराय के पास। तो वॉइसराय डिसाइड करेगा कि एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर हम वहां पर किसको भेजेंगे। 1861 के इस एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, भारत परिषद के द्वारा या फिर भारत का जो वॉइसराय था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, उसके द्वारा यह डिसाइड किया गया कि गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर हम 3 भारतीयों को यहां पर ऐड करेंगे, एक बनारस के राजा को भेज दिया, एक पटियाला के राजा को भेज दिया और एक सर दिनकर राव को भेज दिया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था ये वो पहला एक्ट था जिसने कानून निर्माण की भूमिका में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया, इंडियंस को, भारतीयों को पहली बार कानून निर्माण की भूमिका किस वर्ष या किस एक्ट के द्वारा दी गई, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। यहां इंडियंस मेंबर जो है, इंडियन मेंबर जो है उनको भी अंदर एंट्री मिल गई, तो बनारस का राजा, पटियाला का राजा या दिनकर राव, इन 3 लोगों को यहां पर एंट्री मिल गई। इन लोगों के पास कोई पावर नहीं थी 1861 के एक्ट, कोई राइट्स नहीं थे, बस ये वहां पर सम्मिलित हो गए, जहां कानून बनता था ये लोग वहां पर चले गए। और क्या परिवर्तन किया गया 1861 के इस एक्ट के द्वारा, तो इस एक्ट में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वो ये कि ये जो हमने यहां पर चित्र बनाया है, ये वॉइसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और उसकी जो लेजिस्लेचर काउंसिल है, ये अभी तक पूरे इंडिया के लिए कानून बनाते थे ना, कब से, 1833 के बाद से। 1833 में ये नियम बन गया कि पूरे भारत के लिए अलग अलग जगह कानून नहीं बनेगा, पूरे भारत के लिए कानून जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी में ही तैयार किया जाएगा, बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है वहीं पर पूरे भारत के लिए कानून का निर्माण किया जाएगा। लेकिन 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में ये बोला गया कि जो प्रोविनेंसेस है, जो प्रांत है, कौन कौन से प्रांत, जैसे मद्रास एक प्रांत था ना, बॉम्बे एक प्रांत था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस एक प्रांत था, ये जो प्रांत थे पहले सबके लिए, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस, बंगाल, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सबके कानून कहाँ बनते थे, वॉइसराय के लेजिस्लेचर काउंसिल में बनते थे, इसलिए वॉइसराय की लेजिस्लेचर काउंसिल को क्या कहा जाता था, ऑल इंडिया लेजिस्लेचर काउंसिल, अखिल भारतीय विधान परिषद, क्योंकि पूरे इंडिया के लिए कानून बनाते थे। 1861 में ये प्रावधान कर दिया गया कि ये जो राज्य है इनको भी कानून बनाने की ताकत दे दी जाए। अब 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो,
एक्ट जब बना था, पहला चार्टर एक्ट जब आया था 1773, तब क्या होता था, बंगाल वाले अपना कानून खुद बनाते थे, मद्रास वाले खुद बनाते थे, बॉम्बे वाले खुद बनाते थे, सब अपना अपना कानून बनाते थे, पहले यही तो व्यवस्था थी। 1833 में 1833 विलियम बेंटिक के समय इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ था। 1833 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया था कि मद्रास का कानून भी बंगाल में बनेगा और बॉम्बे का कानून भी बंगाल में बनेगा। तो जब आपने 1833 का चार्टर एक्ट किया था तो वहां एक पॉइंट लिखा था कि 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत में सत्ता का केंद्रीयकरण किया, लिखा था ना, सेंट्रलाइजेशन। सत्ता का केंद्रीयकरण किसने किया था, 1833 वाला जो चार्टर एक्ट था उसने भारत में क्या किया, सत्ता का केंद्रीयकरण। और आज उसके जस्ट ऑपोजिट हो गया, आज जो सारे कानून बंगाल में बनते थे वो वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर काउंसिल जो पूरे इंडिया के लिए कानून बनाती थी, अब उस व्यवस्था में चेंज हो गया ना। क्या बोला अब कि अब राज्य अपने अपने कानून बना लो, तो बॉम्बे वाले मद्रास वाले तुम अपना बनाओ, बॉम्बे वाले तुम अपना बनाओ, यूपी वाले तुम अपना बनाओ। तो जब सबका कानून मैं बनाऊंगा तो ये हो गया सत्ता का केंद्रीयकरण, ताकत मुझे मिली ना, और जब मैंने सारी पावर तुमको वापस दे दी तो इसको क्या बोलेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो भारतवर्ष के अंदर वो कौन सा एक्ट है जिसने सबसे पहले सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रयास किया, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो एक पॉइंट मेंशन करना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत सर्वप्रथम पहली बार सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण किस एक्ट ने किया था, 1833 में, और सत्ता का विकेंद्रीकरण किसने किया, तो पॉइंट लिख लो 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा सर्वप्रथम सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। सबसे पहले सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, और इसके अलावा वाइसराय को यह भी पावर मिल गई कि वो जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अवेलेबल ना हो तो वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है ना, अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो फटाफट से जरा 1861 का जो एक्ट था इसके कुछ मेजर पॉइंट्स को फटाफट से एक बार रिकैप करो। देखो, पहली बात तो साफ दिखाई दे रही है कि 1861 के इस अधिनियम में चार्ट तो दिख रहा है ना, एग्जीक्यूटिव में कितने मेंबर हो गए हैं, 6। क्या इन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में से कोई भी इंडियन है, तो आंसर होगा नहीं। लेजिस्लेचर में मैक्सिमम मेंबर कितने हो गए, 12। विधान परिषद में अधिकतम संख्या 12। क्या उनमें कोई भारतीय है, जी हाँ, कितने, 3। किसने भेजे, वॉइसराय ने। क्या उन इंडियंस के पास, लेजिस्लेचर में जो इंडियन भेजे गए हैं, क्या इन इंडियन मेंबर्स के पास पावर है, हाँ या नहीं, नहीं, उनके पास अभी कोई पावर नहीं है, बस जहां कानून बनता है विधान परिषद में वो वहां जाकर के बैठते हैं, बस इतना ही तो है ना, वो वहां जाकर के बैठते हैं, ना उनके पास वोटिंग का पावर है, वो वोट भी नहीं दे सकते, डिस्कशन तो बहुत बड़ी बात है। अब 1861 का ये एक्ट जैसे ही खत्म हुआ तो 1861 के बाद भारत में कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। जैसे 1861 के बाद की सबसे बड़ी घटना क्या थी, कांग्रेस का बनना। 1861 के इस एक्ट के बाद, और सुधार किया इस एक्ट ने, ऐसा नहीं कि सुधार नहीं किया, इस एक्ट के बाद की सबसे बड़ी घटना क्या हुई, तो सबसे बड़ी घटना ये थी कि 1861 के बाद 1885 में भारत में कांग्रेस बन गई। कांग्रेस नाम की इस संस्था को क्यों बनाया गया, कि भारत के लोगों की बातों को, या भारत की एक राजनीतिक संगठन बना देते हैं जो इंडिया के लोगों की बातों को प्रमुखता से उठा सके, है ना। फिर 1885 में कांग्रेस बना, और 1885 के बाद कांग्रेस ने ब्रिटेन यानी अंग्रेजों के ऊपर इस बात का प्रेशर डालना स्टार्ट किया कि जहां कानून बन रहा है, बताओ कानून कहां बनता है, लेजिस्लेटिव में बनता है, विधान परिषद में बनता है। तो उन्होंने कहा जहां कानून का निर्माण हो रहा है वहां इंडियन मेंबर्स को एक तो आप पावर दे दो जो नहीं है उनके पास, उन्हें आप कुछ पावर दे दो, एक, और सिर्फ 3 इंडियन बहुत कम है, आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर की संख्या बढ़ाओ, एक, और इंडियन मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठाए गए हैं उनकी पावर तो बढ़ाओ ही बढ़ाओ, साथ ही साथ क्या करो, उनकी संख्या भी बढ़ाओ। तो ये पहला पॉइंट था जो उन्होंने अंग्रेजों के सामने रखा। अब अंग्रेजों ने जो कांग्रेस की डिमांड्स थी उसके आधार पर भारत के लिए भारत परिषद ने एक नया एक्ट तैयार किया 1861 के बाद, और वो जो एक्ट उन्होंने भेजा, और भी कुछ डिमांड्स थी कांग्रेस की, क्या क्या थी अभी बनाएंगे उसको। तो जब कांग्रेस ने डिमांड करी अंग्रेजों के सामने, तो अंग्रेजों ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बाद जो एक्ट इंडिया के लिए बना करके भेजा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। कब आएगा ये, 1892, 1892। तो टॉपिक डालो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बाद ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के लिए बनाकर के भेजा जाने वाला अगला जो एक्ट था, एक्ट का नाम भारत परिषद अधिनियम 1892 था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था।
ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892, 1892, ठीक, भारत परिषद अधिनियम 1892। अब देखो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। आप ये बताओ 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, 57 की क्रांति के बाद, अब इंडिया के लोगों की बात ब्रिटेन में उठाने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था बनाई गई थी उसका नाम क्या था? भारत परिषद, इंडियन काउंसिल। तो क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने भारत परिषद के स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन किया? तो आंसर होगा नहीं, कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज। भारत परिषद में मेंबर कितने थे? 15। उसके हेड को क्या बोलते थे? भारत सचिव। तो क्या इंडियन काउंसिल यानी भारत परिषद के स्वरूप में कोई परिवर्तन आया? तो आंसर होगा नहीं, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या इस स्ट्रक्चर में जो ये एडमिनिस्ट्रेशन था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कुछ बदलाव आया? तो आंसर होगा हाँ बदलाव आया। क्या था बदलाव? वॉइसराय अपनी जगह पर एज इट इज था, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। वॉइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें कितने मेंबर थे? 6 मेंबर। इन 6 मेंबर्स में कुछ चेंज आया? सर कोई चेंज नहीं आया। उनको 1861 में पोर्टफोलियो मिल गया था, विभाग मिल गए थे और उसी के अनुसार थे। तो लेफ्ट वाले में कोई चेंज नहीं आया। क्या राइट वाले में चेंज आया? तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी डिमांड, पहली डिमांड क्या थी? यही थी कि यहां इंडियन मेंबर आप बढ़ाओ, तो इंडियन मेंबर्स की संख्या को बढ़ाओ। इंडियन मेंबर्स की संख्या तभी बढ़ सकती है जब वहां आप टोटल मेंबर्स की संख्या बढ़ाओगे। तो 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो पहला प्रावधान किया गया वो क्या था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में अब सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 12 नहीं होगी, इस संख्या को हम 10 से लेकर 16 के बीच फिक्स कर देते हैं। तो 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने पहला काम क्या किया, यहां पर लिख दूं मैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 10 से 16 कर दी, मतलब कम से कम 10 और मैक्सिमम कितनी? 16। मतलब इससे पहले विधान परिषद में कम से कम कितने मेंबर रखने जरूरी थे? 6, और ज्यादा से ज्यादा कितने रखने थे? 12। लेकिन अब जब ये एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जब आया, तो इस एक्ट ने क्या चेंज किया? इसने वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बढ़ा दिए और वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इसने सदस्यों की संख्या कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा कितनी कर दी? 16। तो अधिकतम 16, मिनिमम 10, एक प्रावधान ये हुआ, ठीक है, वॉइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये एक चेंज आया ना, दिख रहा है आपको साहब, पहले 10 से 6 से, बाकी तो सेम है। भारत परिषद में कोई बदलाव नहीं, एग्जीक्यूटिव में कोई बदलाव नहीं, कार्यकारी परिषद में कोई बदलाव नहीं। कहां बदलाव दिख रहा है? लेजिस्लेचर में, वहां सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब देखो जब यहां टोटल मेंबर बढ़ गए तो बहुत ऑब्वियस सा बात है इंडियन मेंबर भी बढ़ेंगे, है ना, ऑब्वियस सा बात है। पहले आपने 3 इंडियन रखे थे क्योंकि 12 टोटल थे, अब जब टोटल 16 हो जाएंगे तो 4-5 इंडियन तो होंगे ही होंगे। और दूसरी डिमांड कांग्रेस की क्या थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडियन मेंबर हैं, जो भारतीय सदस्य विधान परिषद में सम्मिलित किए जाते हैं, इनकी पावर को बढ़ाओ। क्योंकि 1861 में आपने ये तो कह दिया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में भारतीय सदस्य बैठेंगे, बट उनके पास पावर क्या है? वोट दे नहीं सकते, बजट पे चर्चा कर नहीं सकते, प्रश्न पूछ नहीं सकते। तो कांग्रेस ने कहा इनकी पावर बढ़ाओ। तो 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में भारत परिषद ने इस बात को भी स्वीकार किया और इस एक्ट के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में सम्मिलित भारतीय सदस्यों की ताकत बढ़ाई गई। क्या क्या ताकत बढ़ी? इनको पहली पावर मिली क्वेश्चन पूछने की, प्रश्न पूछने का अधिकार। आज तक ये जाते थे लेजिस्लेटिव में, तुम एग्जीक्यूटिव तुम लेजिस्लेटिव, कानून कहाँ बनता है? यहाँ ना, ये विधान परिषद है। तो 1861 में यहाँ 3 आदमी बैठ गए थे इंडिया के, लेकिन वो 3 आदमी के पास पावर नहीं थी। 1892 में क्या पावर दी थी कि ये लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, किससे? वॉइसराय से। वॉइसराय से प्रश्न कौन पूछता है आज? कौन पूछता है प्रश्न आज? प्रश्न कौन किससे पूछता है भारत की संसद में? प्रश्न कौन पूछता है? मंत्री। मंत्री प्रश्न पूछते हैं, सांसद प्रश्न पूछते हैं, किससे पूछते हैं? मंत्रियों। मंत्री का मतलब क्या होता है? मंत्री का मतलब क्या हुआ? सरकार। प्रश्न सदैव विधायिका के द्वारा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका से पूछे जाते हैं। वो सिस्टम अंग्रेजी तो सिखा के गए, ये जो 6 है डब्बा वाले, ये देखो ये 6 डब्बा, इनसे प्रश्न पूछना है क्योंकि ये है सरकार और ये है विधायिका, लेजिस्लेचर, संसद। यो संसद और यो सरकार। सरकार किसको बोलते हैं? भारत में प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल को ही सरकार कहते हैं, इन्हीं को एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि क्या कानून बनेगा ये डिसाइड करते हैं, कब बनेगा ये डिसाइड करते हैं, कानून को लागू कौन करता है यही करते हैं। तो जब पूरा देश ये लोग चला रहे हैं, ये तो बस कानून बना रहे हैं, तो इन्होंने जो कानून बनाया उस कानून को पूरे देश में लागू जब ये करते हैं तो प्रश्न भी तो पूछना चाहिए ना इनसे। तो हमारे पास ये राइट्स तो होना चाहिए प्रश्न पूछने का।
तो इंडियन मेंबर्स को एग्जीक्यूटिव से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, बहुत बड़ी बात है ना। भारतीय सदस्य अब प्रश्न पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव से अंग्रेजी में, हिंदी में कैसे बोला था वहां, ये तो अंग्रेज है सारे, एग्जीक्यूटिव सारे मेंबर कौन है अंग्रेज, तो इनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया गया। अब जब आप संसद पढ़ोगे बाद में, तब तक मोटा मोटा सुनो, संसद में जब कभी भी कोई संसद का सदस्य यानी सांसद सरकार के किसी मंत्री से प्रश्न पूछता है तो प्रश्नों के प्रकार होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न, है ना। कोई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी सूचना पहले ही देनी पड़ती है, 14 दिन पहले ही बता देना कि मैं आपसे इतनी तारीख को प्रश्न पूछूंगा, ताकि मंत्री उसका उत्तर तैयार, तो थोड़ा अजीब हो जाएगा ना। मान लो कि संसद में किसी सांसद ने प्रश्न पूछा मंत्री से, कोई भी प्रश्न पूछ लिया कि आप अपनी इस नीति के बारे में बताओ, अचानक से पूछ लिया जो मंत्री को, मान लो ना आता हो तो ना, वहां तो कैमरा भी चलता, लोकसभा टीवी पे आ रहा होता, तो थोड़ा बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। इसलिए पूर्व सूचना के कुछ प्रावधान बनाए गए कि पहले से आप हमें ये बता दो 13-14 दिन पहले कि आप क्या क्या प्रश्न पूछने वाले, ठीक है। तो इंडियन मेंबर को इस एक्ट ने प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया, किससे, एग्जीक्यूटिव से। अब एक प्रोसेस है जो आप संसद में डिटेल में पढ़ना, यहां बेसिक समझो, जब संसद का कोई सदस्य सांसद प्रश्न पूछता है मंत्री से, तो सांसद ने प्रश्न पूछा और यहां से मंत्री ने प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब जैसे ही मंत्री ने प्रश्न का उत्तर दिया, तो सांसद यदि चाहे, अगर वो उस उत्तर से खुश नहीं है, तो उस उत्तर के बदले में भी एक प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे प्रश्नों को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोलते हैं, पूरक प्रश्न बोलते हैं। तो 1892 के इस एक्ट में इंडियन मेंबर को क्वेश्चन पूछने का तो अधिकार था, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, वो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। मतलब एक बार वो मंत्री से पूछेंगे, मंत्री ने आंसर दे दिया, एग्जीक्यूटिव ने आंसर दे दिया, तो अगर वो उसके आंसर से सहमत नहीं है तो उसके बदले वो प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो क्या प्रश्न पूछने की पूरी पावर मिल गई है इनको, तब आंसर होगा नहीं, पूरी पावर तो नहीं मिली, लिमिटेड मिली है ना, बस वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने भारतीय सदस्यों को कार्यकारी परिषदों से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, किंतु कौन सा अधिकार नहीं दिया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया। और इंडियन मेंबर्स को यह भी अधिकार मिल गया कि आप आज के बाद लेजिस्लेचर में चर्चा, डिस्कशन ये भी कर सकते हो। चर्चा क्या होती है, कैसे की जाती है, जब हम इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर समझ, किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर यदि चर्चा करनी है तो यह अधिकार भी इंडियन मेंबर्स को मिल गया। एकदम से नहीं मिलेंगे सारे अधिकार, धीरे धीरे करके मिलेंगे। तो क्या क्या अधिकार मिल गए 1892 में, 1892 में एक तो प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, उसके साथ में क्या नहीं मिला, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला, और क्या मिला, चर्चा करने का अधिकार। तो क्या नहीं मिला, अभी देखो अभी क्या क्या चीजें जो इनको नहीं मिली है, किसी कानून को बनाते समय उस कानून पर मतदान का अधिकार, ये नहीं मिला है ना। जब कानून बनेगा, कानून तभी तो बनेगा, मान लो तुम 100 लोग बैठे हो यहां लेजिस्लेचर में और मैं कोई कानून बना के लाया, मैंने कहा हाँ ना बोलो, 51 लोगों ने हाँ कह दिया, तभी तो कानून बनेगा। तो इन मेंबर्स के पास अभी भी किसी कानून पर हाँ मतदान देने की पावर नहीं थी, यानी कि कानून बनाते समय इंडियंस की अभी तो डायरेक्टली कोई भूमिका नहीं दिख रही है ना, कानून तो अंग्रेज ही बना रहे हैं। और जब कभी बजट की बात होगी तो बजट के समय सबसे पहले क्या होता है, सरकार का कोई मंत्री, विशेषकर वो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ये देखो ये है वॉइसराय, वॉइसराय की इस एग्जीक्यूटिव में जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से ही भारत में बजटरी सिस्टम को स्टार्ट कर दिया गया था। जेम्स विल्सन, एक अंग्रेज अधिकारी का नाम सुना है, तो जेम्स विल्सन को 1861 में यहां बैठाया गया था वित्त मंत्री के तौर पर, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, और जेम्स विल्सन ने 1861 ईस्वी के इस इंडियन काउंसिल एक्ट से पहले ही 1860 में भारत का बजट पेश कर दिया था ना, तो तब से ये व्यवस्था बन गई 1860 से, पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश कर दिया था, तब से ये व्यवस्था बनी हुई थी कि हर साल बजट पेश किया जाएगा। तो जो सरकार का एक मंत्री होता है वित्त मंत्री, वो संसद के सामने आता था, मतलब लेजिस्लेचर के सामने आता था, उनको बता देता था इस साल हमारा कितना खर्चा होगा, कितना पैसा हम पे आएगा, अंग्रेज हम इस जनता से कितना पैसा लेंगे, कितना खर्चा होगा, वो पूरा बजट में बता दिया जाता था। जब बजट पेश होता है लेजिस्लेचर में, संसद में, तो बजट के पेश होने के बाद उसको पारित करना भी अनिवार्य है। जैसे मैंने टोटल बजट बना दिया, ये इंडिया के लोग, और मैंने यहां तुम 100 लोग बैठे हुए हो, तुम लेजिस्लेचर के मेंबर हो, मान लो संसद है ये, तो मैं हूं वित्त मंत्री, मैं आया, मैंने कहा देखो जी इस साल 100 रुपए हमारे पास आएंगे और 120 रुपया खर्चा होगा, ये बता दिया मैंने तुम्हें। अब वो बजट का जो कागज है जिसपे ये लिखा हुआ है कि 100 रुपए आएंगे 120 रुपए खर्च होगा, अब वो तुम्हारे पास आएगा, अब अगर तुम इससे सहमत हो तो तुम उस पर साइन करोगे, मतलब बजट को पास करोगे, पारित करोगे। तो बजट को पारित करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बजट पारित ना हुआ तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।
तो बजट जब पारित होने के लिए तुम्हारे पास आएगा तो उसे बोलते हैं बजट पर मतदान देना। और 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में ये पावर भी इंडियंस को अभी नहीं मिली थी। तो क्या इंडियंस अभी बजट पर मतदान कर सकते थे? नहीं। कानून निर्माण के समय, किसी कानून को बनाते समय वो वोट दे सकते थे? तो नहीं। तो वो मतदान भी नहीं कर सकते थे, बजट पे मतदान नहीं दे सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो अब हम इनकी तो बात करेंगे ना, जो कांग्रेस होगी, कांग्रेस क्या बोलेगी? अब भाई ये भी दो हमें, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दो, मतदान करने का अधिकार भी दो जब कानून बने, और हमें बजट पे मतदान का भी अधिकार दो। तो देखो अगले में क्या क्या आता है ये देखना पड़ेगा हम। लेकिन अगले एक्ट तक पहुंचने से पहले पहले 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में मैंने ये जो कुछ बनाया, ये परिवर्तन कहां पर हो रहा है? कहां पर हो रहा है बताओ? केंद्र में हो रहा है। केंद्र, वायसराय कहां बैठता था? केंद्र में। ये किसकी एग्जीक्यूटिव है? वायसराय की। ये किसकी लेजिस्लेचर है? वायसराय की। तो ये जो कुछ हमने पढ़ा ये केंद्र में वायसराय और उसकी कार्यकारी और उसकी विधायी परिषद के लिए पढ़ा। अब क्या होता था बताओ? यहां देखो, ये नीचे से मैंने तीन चार गोला बना रखे ना, ये तीन चार गोला क्या है? ये क्या है? मद्रास, बॉम्बे, एनडब्ल्यूपी, ये क्या है? ये प्रांत है, प्रांत राज्य। तो केंद्र में क्या परिवर्तन हुआ वो तो क्लियर हो गया। अब राज्यों में क्या परिवर्तन हुआ? 1892 के इस इंडियन काउंसिल एक्ट ने भारत की जो प्रोविनेंसेस थी, प्रोविनेंसेस मतलब क्या होता है? प्रांत। यहां क्या चेंज किया? तो देखो प्रांतों में कितना बड़ा चेंज हुआ। प्रांतों के लिए पहला नियम यह बना कि जैसे केंद्र में वायसराय होता था ना, वैसे ही हर राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो कौन था? गवर्नर। जैसे मद्रास का गवर्नर। तो प्रांतों के लिए क्या परिवर्तन हो? पहले व्यवस्था देखो क्या चल रही थी। व्यवस्था प्रांतों में ये थी कि प्रांतों का एक गवर्नर होता था, उस गवर्नर की भी एक काउंसिल होती थी एग्जीक्यूटिव, और एक काउंसिल होती थी लेजिस्लेचर, उसकी भी विधान परिषद और कार्यकारी परिषद दोनों चीज होती थी उसके पास भी। जैसे ऊपर होता था सेम डेट वहां पर भी होता था। तो जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, राज्यों की गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसकी बात को तो छोड़ दो, लेकिन राज्यों में जो गवर्नर था उस गवर्नर की जो विधान परिषद होती थी, मतलब कितनी विधान परिषद होती थी इंडिया में? दो। जैसे हम उत्तराखंड वाले हैं तो समझो इस बात को, उस समय भारत में दो विधान परिषद थी। एक विधान परिषद वो थी जो दिल्ली में काम करती थी, वो किसके अंडर में काम कर रही है? वो पूरे भारत की विधान परिषद थी, अखिल भारतीय विधान परिषद। और एक विधान परिषद वो थी जो हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारा राज्य क्या था तभी? उत्तर प्रदेश। तो दो दो विधान परिषद, एक उत्तर प्रदेश विधान परिषद और एक भारत विधान परिषद। भारत विधान परिषद को क्या बोलते थे? अखिल भारतीय विधान परिषद। और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद थी वो प्रोविनेंशियल मतलब प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो इनकी जो विधान परिषद थी, यहां एक चेंज हुआ, इसको सुनो, यहां एक चेंज हुआ। अब एक एक करके पॉइंट पढ़ो। इंडिया के लिए क्या नियम है कि एक वायसराय होगा। भारत का वायसराय कौन होगा? कौन डिसाइड करेगा? भारत परिषद, ये डिसाइड करेगा। ये छह लोग कौन है? अंग्रेज। ये कौन चुनेगा? भारत परिषद। एक भी इंडियन नहीं यहां पर। यहां इंडियन है? है, चार पांच छह जितने भी है। यहां पर जो इंडियन मेंबर है उनको कौन चुनेगा? वायसराय। वायसराय चुनेगा, गलत बात होगी ना, वायसराय मनोनीत करेगा, अच्छी बात है। वायसराय क्या चुनेगा? एक आदमी का क्या चुनाव? मनोनीत करेगा। तो आप ये बताओ, सेंट्रल की जो पूरी की पूरी सिस्टम है, इस सेंट्रल के सिस्टम में कहीं पर भी आपको इलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है? विदाउट इलेक्शन चल रहा है सब कुछ। प्रांतों में जो गवर्नर था, इस गवर्नर का निर्धारण यही लोग कर रहे हैं अंग्रेज। इस गवर्नर के यहाँ एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी सब है अंग्रेज। यहाँ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में आज से पहले क्या होता था? आज से पहले वही सिस्टम था कि जिसको गवर्नर ने कह दिया वो वहां बैठता था। लेकिन 1892 में इसमें मेजर चेंजेस आया। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में ये कहा गया कि आज के बाद ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या हो गया? विधान परिषद। कहां की? केंद्र की कि राज्य की? तो राज्यों की जो विधान परिषद है, ये बोला इस एक्ट में ये लिखा हुआ था कि राज्यों की जो विधान परिषद है, राज्यों की इस विधान परिषद में अब कुछ मेंबर्स को चुनाव के माध्यम से बुलाया जाएगा। किसके माध्यम से? जरा देखो कैसे चुनाव, इलेक्शन के माध्यम से। अभी तक पूरे इंडिया में कहीं इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। 1892 के इस एक्ट में पहली बार ये प्रावधान किया गया कि जो प्रोविनेंसेस है, जो प्रांत है, इन प्रांतों में जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद में कुछ लोग चुन करके आएंगे। अब देखो वो चुन के कैसे आते हैं। उन्होंने कहा, जैसे मान लो किसी विधान परिषद में 50 मेंबर है, 50 में से उन्होंने कह दिया 20 मेंबर तो जो गवर्नर है वही मनोनीत करेगा, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि कुछ मेंबर जो है वो यूनिवर्सिटी से चुन करके आएंगे, विश्वविद्यालयों से।
विश्वविद्यालयों से कुछ सदस्य यहां पर आएंगे, जैसे उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, कुछ मेंबर यहां जमींदारों से आएंगे, जो भारत के जमींदार है वहां से आएंगे, कुछ मेंबर यहां लोकल बॉडीज से आएंगे, जैसे नगर पालिका नगर पंचायत यहां से आएंगे। तो यहां पर जरा एक पॉइंट समझो, मतलब अगर यूनिवर्सिटी से कोई आदमी जा रहा होगा राज्यों की विधान परिषद में, तो उसको भारत की जनता चुनेगी या यूनिवर्सिटी वाले चुनेंगे? यूनिवर्सिटी वाले। जमींदारों में कितने जमींदार आ जाएंगे? मान लो उन्होंने कहा 5 जमींदार आ जाओ जी, और हमारे राज्य में हो 50 जमींदार, तो 50 में से कौन 5 जमींदार जाएंगे वो कौन डिसाइड करेगा? जमींदार डिसाइड करेगा। जैसे मान लो लोकल बॉडीज से नगर पालिकाओं से उन्होंने कहा 3 आदमी नगर पालिकाओं से आओ, और मान लो हमारे पास है 5 नगर पालिकाएं, तो उन 5 नगर पालिकाओं में से कौन से 3 आदमी वहां पर जाएंगे ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। और जब किसी चुनाव में हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन। और एक ऐसा इलेक्शन जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं निभाती है, जनता के द्वारा चुने गए लोग किसी इलेक्शन में अगर प्रतिभाग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। तो 1892 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर, कहां पर? राज्यों में, केंद्र में नहीं। प्रश्न में फंसना मत, अगर प्रश्न आया केंद्रीय विधान परिषद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब हुई, तुमने 92 कर दिया, गलत हो गया, 92 में नहीं, यहां नहीं, केंद्रीय विधान परिषद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत अभी नहीं हुई, बाद में होगी अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अभी ये जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन स्टार्ट हुआ है, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहां पर हुआ है? राज्यों में। तो लिख लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने, 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने राज्य विधान परिषद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत करी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत करी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कहां पर? राज्यों में, प्रोविनेंसेस में, राज्य विधान मंडलों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, ठीक है, राज्य विधान मंडलों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा करी गई? तब आंसर होगा वो एक्ट जिसने राज्य विधान मंडल में अप्रत्यक्ष निर्वाचन, राज्य में, हाँ देखो ध्यान से करना प्रश्न, केंद्र में होगा तो फिर आंसर 1909 हो जाएगा, 1909 गड़बड़ हो जाएगा फिर ना, मॉडल मिंटो, अगर केंद्र में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पूछा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, और राज्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो स्टेट प्रोविनेंसेस में ये सिस्टम बन गया और 1892 का ये एक्ट खत्म हुआ। 1892 के बाद इंडिया में राष्ट्रवाद का प्रारंभिक चरण शुरू हुआ, भारतवर्ष के अंदर जितने भी लोग रहते थे उन्होंने राष्ट्रवाद प्रारंभ किया। राष्ट्रवाद का 1892 से लेकर 1900 तक का तो दौर थोड़ा न्यूट्रल ही चला, लेकिन 1900 ईस्वी के बाद राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ने लग गई, देशभक्त की भावना भारत में बढ़ने लगी, ऐसी कंडीशन में अंग्रेजों के लिए दिक्कत हो गई। उधर 1905 में भारत वालों ने यह भी दिखा दिया कि हम 1857 के बाद शांत नहीं बैठे, स्वदेशी आंदोलन हुआ, बंग भंग बंगाल विभाजन आंदोलन स्टार्ट हो गया, तो 1905 के बाद आंदोलन स्टार्ट हो गया। 1905 के बाद की एक प्रमुख घटना यह है कि 1906 से पहले इंडियन लोगों की बात उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एक राजनीतिक पार्टी थी, कांग्रेस। पर आपको यह बात तो पता ही होगी कि 1906 में एक और पार्टी ने अपना स्थापना कर दिया, क्या नाम था उसका? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, कुछ ऐसे लोग जो पहले कांग्रेस के ही मेंबर थे, जिनका मानना यह था कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व अच्छे से नहीं कर पा रही है, ऐसी विचारधारा के लोगों ने अपनी एक अलग पार्टी बना दी, उस पार्टी का नाम क्या रखा? मुस्लिम लीग। तो अब 1906 के बाद जो अंग्रेज पहले सिर्फ इंडिया में एक कांग्रेस से बात करते थे, अब उनको दो लोगों से, क्योंकि पार्टियां कितनी बन गई है? दो। और 1906 ईस्वी में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो यहां से अंग्रेजों को ये चीज थोड़ा सा क्लियर हो गया कि भारत के जो लोग हैं वो बंट रहे हैं ना, पहले एक ही थे, अब कितने हिस्सों में बंट गए? दो। और ऊपर से अंग्रेजों की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? राष्ट्रवाद हावी हो रहा है, सब लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आ रही है, तो अंग्रेजों का पहला प्रायोरिटी क्या था? किसी भी प्रकार से इन राष्ट्रवादी जो गतिविधियां हैं इनको डाउन किया जाए, इनको हम दबा दें किसी तरीके से। तो उसको लेकर के उन्होंने क्या किया? अगला एक एक्ट तैयार किया। उस एक्ट को तैयार करने के पीछे का एक बड़ा कारण तो ये है कि उन्हें राष्ट्रवादी गतिविधियों को शांत करना था, और इस एक्ट को प्रारंभ करने के पीछे का दूसरा एक कारण यह भी था कि मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी के अंदर भारत का जो उस समय का वॉइसराय था मिंटो, उससे मुलाकात किया, और मिंटो से बात करने के बाद मुस्लिम लीग ने कुछ डिमांड्स रखी भारत के वॉइसराय के सामने। पहली डिमांड मुस्लिम लीग की ये थी कि मुस्लिम जो भारत में अल्पसंख्यक है, जो कम है संख्या में, उनको चुनावों के समय उतनी सीटें नहीं मिल पाती है
जितनी चाहिए। मान लो कि इस क्लास के अंदर हम 100 बच्चे हैं, मुस्लिम लीग ने अपना पॉइंट क्या रखा, 100 बच्चे हैं, 100 में से मुस्लिम आबादी सिर्फ 10% है, तो सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं। अगर वो चुनाव में खड़े भी हो रहे हैं तो क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पर मुस्लिम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उनका वहाँ पहुँच पाना तो मुश्किल है ना। तो एक डिमांड मुस्लिम लीग ने करी कि आप एक काम करो, पूरे इंडिया में जिन जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उन सीटों में से कुछ सीटें आप मुस्लिमों के लिए फिक्स कर दो, रिजर्व कर दो, मुस्लिमों के लिए चुनाव की एक अलग ही व्यवस्था आप लॉन्च करो। ऐसा मुस्लिम लीग का डिमांड था मिंटो के सामने, और उस समय मिंटो का मेन काम था भी तो यही कि भारत को कैसे तोड़ा जाए, फूट डालो राज करो वाली नीति ना, कैसे इनको डिवाइड किया जाए। दूसरा, मुस्लिम लीग की एक डिमांड ये भी थी कि ठीक है हम मानते हैं आप सारा सुधार बढ़िया कर रहे हो, लेजिस्लेचर में आप मेंबर भी बढ़ा रहे हो, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में इंडियंस कब आएंगे। यहां देखो अभी तक कोई भी इंडियन नहीं आया है, यहां अभी भी किसी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया है, मतलब भारत के जो मेंबर है वो एक हिसाब से देखा जाए सांसद तो है पर मंत्री कोई भी नहीं है, तो अब मंत्री भी तो बनाओ उनको। तो ये दो डिमांड उन्होंने वहां रखी। तो भारत में फैलते हुए राष्ट्रवाद को दबाने के लिए और मुस्लिम लीग की ये जो कुछ डिमांडें थी मिंटो के सामने, ये जो कुछ डिमांडें भेजी गई, इन सब का निचोड़ क्या निकला, तो इन्होंने एक एक्ट तैयार किया, एक और कानून बनाया, और उस एक्ट को नाम देते इंडियन काउंसिल एक्ट 909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909। क्योंकि इस एक्ट ने भारत में कुछ बहुत बड़े मेजर चेंजेस करे, बड़े बदलाव करे। तो इस एक्ट के समय जो भारत सचिव था उसका नाम क्या था, मार्ले, और भारत का वॉइसराय कौन था, मिंटो। तो कुछ लोगों ने इसको मार्ले मिंटो अधिनियम, ज्यादा फेमस नाम क्या होता है, मार्ले मिंटो अधिनियम ना, क्योंकि मार्ले और मिंटो के सम्मिलित प्रभाव से इस एक्ट को तैयार किया गया था। ठीक है, तो टॉपिक डालो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम, अब ध्यान से समझना क्या क्या बदलाव हुए। भाई जो डिमांड्स आएंगी वही तो बदलाव होंगे, जो आप मांग कर रहे हो वही तो दिया जाएगा तुम्हें, आपकी जो डिमांड होगी भारत परिषद आपको वही तो देगा। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या बदलाव हुए। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने भारत परिषद में कुछ बदलाव किया था, आंसर था नहीं, लेकिन अब ध्यान से सुना, 1909 मार्ले मिंटो एक्ट ने सबसे पहला बदलाव कहां किया, भारत परिषद में किया, पहला बदलाव यहां किया भाई, भारत परिषद में ही पहला बदलाव कर दिया गया और बड़ा बदलाव था। भारत परिषद कब बना था, 1858, जब भारत परिषद बना था उस समय उसमें कितने मेंबर होते थे, 15, आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ, 15 मेंबर थे, अभी भी 15 मेंबर है। क्या उस भारत परिषद में कोई भी भारतीय था, नहीं, आज तक नहीं था। 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम ने पहला बदलाव यह किया कि भारत परिषद में जो 15 आदमी हैं उनमें भी हम इंडियन मेंबर ऐड कर रहे हैं, और पहली बार मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के तहत भारत परिषद में इंडियन कहां कहां जा रहे हैं उसमें ध्यान रखना, अभी तक इंडियन सिर्फ कहां बैठे थे, लेजिस्लेचर में, और कहीं नहीं थे। अब भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो के तहत पहली व्यवस्था यह कर दी गई कि भारत परिषद में दो भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाएगा। 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत भारत परिषद में जिन दो भारतीयों को शामिल किया गया, एक थे केसी गुप्ता और एक का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये दो मेंबर भारत परिषद में शामिल हुए पहली बार मार्ले मिंटो एक्ट के तहत। मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत पहली बार भारत परिषद में इंडियन मेंबर को शामिल किया गया। ठीक है, भारत परिषद में इंडियन मेंबर को शामिल किया गया, भारत परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, भारत परिषद में दो इंडियन मेंबर। ठीक है, अगर परीक्षा में प्रश्न आया कि सर्वप्रथम भारत परिषद में सम्मिलित होने वाले भारतीय सदस्य कौन कौन थे, तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्राम, ये दो लोग। ठीक है, तो देखो पहली बार जब से भारत परिषद बना, इंडियन काउंसिल जब से बना है उसमें पहला चेंज ये आया। अब आते रहेगा चेंज, 1919 में कुछ चेंज करेंगे, 35 में चेंज करेंगे। तो भारत परिषद के 15 सदस्यों में पहली बार दो सदस्य, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत पहली बार भारत परिषद में दो भारतीय सदस्य शामिल किए गए, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्राम। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंज हुआ जी, थोड़ा बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन में, थोड़ा बहुत ही नहीं कहेंगे उसको, बहुत 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 कहेंगे। वॉइसराय एज इट इज था,
वॉइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें कितने मेंबर हुआ करते थे? 6। अभी भी मेंबर की संख्या 6 ही रखी गई, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया कि छठवें मेंबर के रूप में पहली बार एक इंडियन को एग्जीक्यूटिव में शामिल किया गया। दो दो जगह आ गए इंडियन, भारत परिषद में भी भारतीय सम्मिलित हो गए, पर 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम ने वॉइसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार हुआ है ना, वॉइसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को सम्मिलित कर दिया गया। क्या पॉइंट बना? 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम ने पहली बार वॉइसराय की कार्यकारी परिषद में, वॉइसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया। एक मुस्लिम लीग की डिमांड थी, दो को करो, दो को मुस्लिम लीग कह रहा था, एक कांग्रेस से रखो और एक आप मुस्लिम लीग से रखो। उन्होंने एक ही डिमांड मानी, क्या? कि हम एक मेंबर इंडियन यहां पर रखेंगे। तो वो एक इंडियन मेंबर जो सबसे पहले वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना, उसका नाम सत्येंद्र सिन्हा था, सीपी सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा कौन है? वो प्रथम भारतीय सदस्य है जिनको एग्जीक्यूटिव में शामिल किया गया था। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में शामिल होने वाला ये प्रथम भारतीय सदस्य था, पहला भारतीय सदस्य जिसको एग्जीक्यूटिव में शामिल किया गया, सत्येंद्र सिन्हा। तो 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम ने एग्जीक्यूटिव में कुछ बदलाव किया? तो आंसर होगा हाँ किया। यहां इंडियन यहां भी चलेगा, मंत्री बन गया। और क्या मंत्री बना ये पता है तुमको? लॉ मिनिस्टर, इसको कानून मंत्री बनाया गया। तो इंडिया वालों को जो सबसे पहला मंत्रालय दिया अंग्रेजों ने वो था लॉ मिनिस्ट्री, इन्होंने इसको लॉ मिनिस्टर बना दिया। यहाँ 6 मंत्री होते थे ना, राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, अपना वाला क्या बना? कानून मंत्री, है ना। चलो एक बदलाव, दूसरा भी बदलाव हुआ क्या? लेजिस्लेचर में बदलाव हुआ? तो आंसर होगा हाँ जी हुआ। कैसा हुआ? खतरनाक ही हुआ। तो कांग्रेस की लगातार डिमांड थी कि अभी भी मेंबर कम है, इंडियन भी कम है और मेंबर भी कम है, इन संख्या को बढ़ा दिया जाए। लेजिस्लेचर विधान परिषद में वो कह रहे थे इंडियंस को और भेजो, और इंडियंस को और तभी भेजेंगे जब ये संख्या बढ़ेगी। तो अभी मैक्सिमम नंबर कितना था? 16। 1909 में ये डिसाइड कर दिया गया कि अब ये संख्या 16 से लेकर के 60 तक होगी। इंडिया की डिमांड थी डबल, उन्होंने ट्रिपल बढ़ा दिए सीधे। हम कह रहे थे कि 16 की जगह कांग्रेस ने कहा 32 कर दो इनको, तो भाई ने सीधा 50 कर दिया, 60 कर दिया, है ना। तो 1909 के इस अधिनियम में ये एक नियम बनाया गया कि अब जो लेजिस्लेचर है, इस लेजिस्लेचर में बैठने वाले सदस्यों की संख्या कितनी कर दी जाएगी? तब आंसर होगा 60 कर दी जाएगी। अब देखो ये 60 मेंबर अगर पकड़ लिए तो फिर ये एक्ट सारा पकड़ लिया। ये जो 60 मेंबर यहां आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था थी? इनके लिए व्यवस्था थी कि इनमें से कुछ होंगे कौन? सरकारी, और कुछ होंगे कौन? गैर सरकारी। वो तो शुरू से चल रहा है ना, मैं बना नहीं रहा हूं, पर नियम तो वही है कि जो मेंबर यहां आएंगे उनमें से कुछ ऑफिशियल होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल होंगे। जो ऑफिशियल मेंबर होंगे गवर्नमेंट मेंबर होंगे, ये तो भैया वो होंगे जो सरकारी नौकरी करते हैं। इंडियन मेंबर किस हैसियत से जाएगा वहां? गैर सरकारी सदस्य की हैसियत से जाएगा। टोटल मेंबर कितने थे? 60। तो इन्होंने क्या नियम बनाया कि अब ऐसा करते हैं, सरकारी सदस्यों में कितने सदस्यों को शामिल किया जाएगा? 28। और गैर सरकारी सदस्य के तौर पर कितने सदस्य शामिल किए जाएंगे? 32। तो 32 सदस्य गैर सरकारी सदस्य के तौर पे आएंगे और 28 जो है वो आपके सरकारी सदस्य के तौर पे आएंगे। अब इन 32 का भी क्लासिफिकेशन हुआ, इन 32 मेंबरों को किस हिसाब से बांटा गया? इन 32 मेंबरों को बांटते समय ध्यान से सुनो जरा, 13 मेंबरों की अगर आपने कहानी समझ ली तो फिर पूरी की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। 13 टोटल कितने? 32। इन 32 मेंबरों में से 13 मेंबरों के लिए क्या कहानी थी उसको समझो। इन्होंने कहा इन 32 आदमियों में से जो 13 आदमी है ना उनके लिए हम एक नियम लगा रहे हैं। जैसे 12 आदमी तो प्रांतों से आएंगे, सीधा सीधा जनरल कैटेगरी के 12 लोगों को प्रांतों से चुना जाएगा। प्रांतों से चुना जाने का मतलब क्या है कि जो राज्य है ना, हर राज्य अपने अपने राज्य से एक एक आदमी को चुनेगा और यहां भेजेगा। ये बताओ कितनी विधान परिषद होती थी उस समय? एक की दो? दो, एक केंद्र में एक राज्य में। हम कहां की पढ़ रहे हैं, केंद्र वाली की राज्य वाली? केंद्र वाली, ये है केंद्र वाली। तुम एक राज्य हो, तुम एक राज्य हो, तुम जितने लोग यहां पर बैठे हुए हो तुम तुम्हारी राज्य की विधान परिषद के सदस्य हो, विधायक हो तुम, और तुम भी क्या हो? विधायक। तुम यहां कैसे आए? चुन के आए, वो बात की बात है, पर तुम यहां चुन के आए हुए हो, तो तुम लोग हो विधायक। फिर ये दूसरा राज्य विधायक, तीसरा राज्य वहां के विधायक, ऐसी विधानसभा है सबकी। तो पहला नियम क्या बनाया इन्होंने कि हर राज्य की विधानसभा
एक एक आदमी को चुन के भेजा। अब ये डिसाइड करेंगे, तुम डिसाइड करोगे कैसा चुनाव हो रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन इससे पहले कहां हो रहा था, राज्यों में, दिख रहा है यहां पर। पहली बार 1909 में राज्यों के अलावा केंद्र में भी कौन सा चुनाव हो गया, अप्रत्यक्ष। क्या बोला कि 12 लोग जो है वो प्रांतों से आएंगे। तो तुम जो विधायक हो ना, जिनको जनता ने चुना, तुमको किसने चुना, जनता ने, और तुम अब एक आदमी को चुनोगे और उस आदमी को भेजोगे यहां केंद्र की विधान परिषद में। तो 12 आदमी कहां से आएंगे, बल प्रांत से। चलो इस 12 को तो छोड़ो, तुम समझो इन 13 को समझो। ये जो 13 लोग हैं, इनमें ये नियम बनाया गया कि इन 13 आदमियों में से 5 आदमी जो है, 5 लोग जो है वो जमींदारों में से चुनकर के आएंगे। कि केंद्र के नियम बना रहे हम, इन्होंने कहा 13 आदमियों में से 5 लोग ऐसे होंगे जो जमींदार होंगे ना, भारत के जमींदार। वो भारत के जमींदार, पूरे इंडिया के जितने भी जमींदार हैं, वो अपने में डिसाइड करो कि कौन से वो चुनाव कराएंगे आपस में जमींदार लोग, और उनमें से कितने आदमी आएंगे यहाँ पे, 5। कानून बन रहा है और कानून निर्माण की भूमिका में 5 आदमी जमींदारी वर्ग से भी आएंगे, 2 आदमी व्यापार बोर्ड से, जो भारत का व्यापार बोर्ड है, जो उस समय बंबई और कलकत्ता में होता था। कलकत्ता व्यापार बोर्ड और बंबई का जो व्यापार बोर्ड है, वो व्यापार बोर्ड वाले, व्यापार संघ होता है ना, व्यापार संघ वाले इलेक्शन कराएंगे और उनमें से भी 2 लोग चुन के आएंगे। तो इलेक्शन कैसा हो रहा है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया स्टार्ट, है ना। जमींदार लोग अपने में से 5 आदमियों को चुन के भेजेंगे। है कितने भाई जमींदार, 500 हैं जमींदार, 500 में कितने आएंगे, 5। तो जमींदार चुन रहा है, पूरे देश की जनता नहीं चुन रही है, जमींदार चुन रहा है। तो चुनाव कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष, साफ दिखाई दे रहा। और 2 लोग कहां से आएंगे, व्यापार में। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7, कितने बचे, 6। ये 6 दिक्कत हुई। कहा गया कि इन 13 मेंबरों में से 6 मेंबर जो है वो मुस्लिमों में से चुने जाएंगे। 6 सीटें हम मुस्लिम कैटेगरी से भरेंगे, ठीक है। यहां संप्रदाय की बात हो गई। इन्हें कौन चिढ़ रहा था इससे, इससे कोई नहीं चिढ़ रहा था जब बात जमींदारों की हुई, क्योंकि जमींदार तो कोई भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सकता है। व्यापार बोर्ड से जो 2 लोग चुन के आएंगे, कोई भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन 1909 के एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, इसने संप्रदाय यानी धर्म के आधार पर विभाजन करना शुरू कर दिया। देखो इसने यहाँ क्या लिखा, इसने कहा कि 6 सीटें मुस्लिमों से भरी जाएंगी। और कैसे भरी जाएंगी, इनके लिए जो व्यवस्था लॉन्च करी जाएगी उसे बोला जाएगा पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्ट्रोड। और ये पृथक निर्वाचन होता क्या है, पृथक निर्वाचन का मतलब होता है एक ऐसा निर्वाचन जहां पर पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को या समुदाय को चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार हो। कैसे, जैसे मान लो ये एक क्षेत्र है, यहां पर मान लो टोटल लोग रहते हैं 100, मान लेते हैं कि इन 100, अच्छा पृथक निर्वाचन उन्हीं क्षेत्रों में होगा जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होंगे, जहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं। तो मान लो 100 लोग हैं और इनमें से मान के चलते हैं 70 लोग हैं मुस्लिम और बाकी 30 लोग हैं अन्य। तो अगर यहां पृथक निर्वाचन की, अगर इस सीट को मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दिया गया है, तो यहां पर क्या होगा, चुनाव में कौन खड़ा होगा, कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, और वोट कौन देगा, यही 70 लोग वोट देंगे। तो वोट तो जनता भी दे रही है ना, 70 लोग, जनता भी वोट दे रही है, पर क्या सारी जनता वोट दे रही है, तो आंसर है नहीं। सिर्फ वही समुदाय का व्यक्ति वोट करेगा जिसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को लॉन्च किया गया हो। और आपको पता भी होगा 1909 का एक्ट इसी बात के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि इस एक्ट के बाद ही भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच दूरी बढ़ती गई पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। क्योंकि मुस्लिमों के लिए जब 6 सीटें रिजर्व हुई, तो इस बात का विरोध ऑब्वियस है अन्य संप्रदाय के लोगों ने किया, और हिंदू और मुस्लिमों के बीच की दूरी बढ़ती गई। फूट डालो राज करो की नीति जो है इसी एक्ट में सबसे पहले दिखाई देती है। और इस एक्ट में सबसे पहले उन्होंने पृथक निर्वाचन किसके लिए किया, ऑब्वियस है ना, बहुत ऑब्वियस है। इस क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए, मेरे लिए तो सारे के सारे बच्चे ही बच्चे हैं। मान लो तुम सब लोग मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, सब के सब विद्रोह, कुछ ना कुछ विद्रोह कर रहे हैं तुम। मास्टर यहाँ ठग लग जाती है, चाय भी नहीं पिलाता हमें, या कुछ भी कर दिया तुमने ना, ऐसा भी नहीं करता वो भी नहीं करता, ठंडा पिला दे गर्मियों का मौसम, कुछ भी कर दिया तुमने। अब एक तरीका मेरे पास क्या है कि तुम्हारी डिमांड है गुरुजी चाय पानी पिलाया कर मुझे, तो एक तरीका ये है कि मैं पिला दूं तुमको सबको। दूसरा तरीका ये है, अच्छा ऐसा तुम बोल क्यों रहे हो मुझे, मान लो ना तुम मुझे ये कह रहे हो कि सर कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। अब क्यों बोल रहे हो तुम कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, क्योंकि तुमने मेरी टेबल पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल देख दी, तब बोल रहे थे गुरुजी कोल्ड ड्रिंक। अब मैंने क्या किया, मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं बांटी तुम्हें, मैंने वो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है ना एक गिलास खुद पिया, और जितना बचा उतना मैंने लड़कियों को दे दिया, लो रे लड़कियों तुम पी लो। तो अब लड़का लोग थोड़ा करेंगे ना, ऑब्वियस है ना, मास्टर लड़कियों को दे रहा बोले ना, और हमको क्यों नहीं दे रहा। तो ये है बस सिस्टम, समस्या इससे नहीं है। अगर यहीं पर ऐसा कर देते ना, 6 सीटें मुस्लिमों के लिए, 6 सीटें सिखों के लिए, 6 इसके लिए, वैसे तो करना नहीं चाहिए, ऐसे में विभाजन होगा, बटेंगे लोग आपस में।
लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, मुस्लिमों के लिए आपने अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए, वहां पर अलग से चुनाव करवाया गया, इस बात से हिंदू और मुस्लिमों के बीच की दूरी बढ़ती गई। तो ये वाला जो एक्ट है, ये एक्ट मेनली पूरी तरीके से सांप्रदायिक विभाजन का आधार रखता है भारत में। और उसकी सबसे बड़ी बात क्या थी, तो पॉइंट लिखना, इस एक्ट ने भारत में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को शुरू किया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को शुरू किया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को शुरू किया। इस एक्ट के द्वारा भारत में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, एक, ठीक है, चलो जी, एक तो ये घटना होगी। और जो पुरानी चीजों में कंप्लीट नहीं हुई थी वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखो, लेजिस्लेचर में, यहां विधान परिषद में जो इंडियन मेंबर थे उनके पास बताओ क्या क्या ताकत नहीं थी अभी तक, क्या क्या ताकत नहीं थी, सर इनके पास पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, नहीं था ना, तो उनको वो अधिकार मिला, वो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, पिछली बार उनको वो पावर नहीं मिली थी, तो अब यहां पर ये पावर मिल गई, जो इंडियन मेंबर है वो पूरक प्रश्न भी उठा सकते हैं। और क्या पावर नहीं थी उनके पास, सर जब चुनाव बनता है तो चुनाव बनते समय या कानून बनते समय वो क्या नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते, तो ये पावर भी मिल गई उनको, सारी चीजें मिल रही है ना, इतने बुरे लोग भी नहीं थे, मतलब थोड़ा ये गलत है कि पृथक पृथक कर रहे थे हमको, बाकी ठीक थे, जो मांग रहे हैं वो तो तुरंत मिल जा रहा है ना, जो हमने कहा पूरक प्रश्न का अधिकार दो, लो मतदान का अधिकार दो, और क्या चाहिए, बजट पे मतदान का अधिकार ये भी दो, तो ये नहीं दिया उन्होंने, सब अभी दे देंगे तो आगे तुम्हारा क्या है, तो ना, तो 1909 में भी बजट पर मत देने का अधिकार इंडियन मेंबर्स को नहीं मिला, पर और तो मिल गया ना, अब वो चर्चा कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे सरकार से, अब वो एग्जीक्यूटिव में बैठ चुके थे खुद, अपना एक मंत्री था, है ना, तो इस एक्ट के तहत पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, मतदान का अधिकार और बजट पर, लेकिन एक चीज नहीं मिली अभी भी क्या नहीं है उनके पास, बजट पर मत देने का अधिकार। ये सारी व्यवस्था फिर से कहां की पड़ी हमने, सेंट्रल लेजिस्लेचर की, केंद्रीय विधान परिषद की, राज्यों की नहीं पड़ी अभी, ये तो केंद्र की बात है। इसके उलट राज्यों में क्या परिवर्तन हुआ, ये तो केंद्र में हुआ, और इसी 1909 के एक्ट के द्वारा राज्यों में क्या परिवर्तन किया गया, तो राज्यों में आज तक जो इलेक्शन इनडायरेक्ट होते थे वो क्या हो गए, डायरेक्ट हो गए, प्रत्यक्ष हो गए। तो लिख लो, 1909 के इस एक्ट के द्वारा राज्यों में, प्रोविनेंसेस में, प्रांतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था को शुरू कर दिया गया, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था को शुरू कर दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था राज्यों में पहली बार, ठीक है, वो भारत का कौन सा एक्ट है जिसने राज्यों में, केंद्र में नहीं आया, इसके बाद वाले एक्ट में आपका सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी डायरेक्ट इलेक्शन आ जाएंगे, ठीक है, राज्यों में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत। बड़ा तीन प्रश्न बताओ फिर कहानी खत्म करते हैं, ये बताओ राज्यों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब हुई, 1892 के एक्ट से राज्यों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्र में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कब हुई, 1909, केंद्र में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कौन से एक्ट ने करी, 1909, और राज्यों में प्रत्यक्ष निर्वाचन कौन लाया, 1909, और केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन कौन लाया, 1919, अगले एक्ट में केंद्र में डायरेक्ट इलेक्शन हुए, तो डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे, फिर हमारी इस इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद भारतवर्ष में राष्ट्रवादियों के द्वारा खूब हंगामा भी बढ़िया हुआ, डिमांड भी बढ़ी, पहली डिमांड ये बढ़ी, मेंबर बढ़ाओ भाई, इतने से काम नहीं चलेगा, एक इंडियन रखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव में भी इंडियन मेंबर बढ़े, लेजिस्लेचर में भी इंडियन मेंबर बढ़े, एक बात। दूसरी सबसे प्रमुख घटना इस एक्ट के बाद, यहां तक सब बढ़िया चल रहा था, इस एक्ट के बाद कुछ बड़े बदलाव आए, जैसे इस एक्ट के तुरंत बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, प्रथम विश्व युद्ध पर ब्रिटेन पर एक पॉलिटिकल प्रेशर बना रहेगा, अंतरराष्ट्रीय दबाव बना रहेगा, और अपना बापू भाई महात्मा गांधी 1915 भारत आ गया ना, इससे पहले तो महात्मा गांधी थे नहीं, तब 1915 में महात्मा गांधी भी भारत आ गए, जिस समय महात्मा गांधी ने भारत में एंट्री करी, यहाँ अटपटांग चल रहा था, किसी का मुंह यहाँ किसी का वहां, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा दोनों अलग थे, और कांग्रेस में भी अलग अलग हो गए, गर्म दल, नरम दल, गुनगुना, थोड़ा ठंडा, थोड़ा ऐसा था, क्रांतिकारी ये वो सो। महात्मा गांधी ने भारत में आने के बाद लखनऊ में पैक्ट कराया, आओ रे यहाँ तब जीतोगे इनसे, पहले सब मिल जाओ, तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, तो अंग्रेजों पर इस चीज का थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, मुस्लिम लीग भी आ गया,
तो अंग्रेजों का बेटा अब एक गड़बड़, एक तो युद्ध भी चल रहा विश्व युद्ध और ये भी हो गए सब इकट्ठे। तो गांधी जी ने कहा भाई साहब ऐसा अलग अलग बटो मत, ये तो इनकी चाल है बल। और तब आए इनको समझ में, बेटा चाल है इनकी, है ना, कि आपस में लड़ाने की, जैसे मैंने ठंडा दे दिया था इनको लड़कियों को, तो मेरी चाल थी कि ये लड़का कुछ बोले इनको बोले, ये उनको बोले, ये आपस में लड़े और ठंडा तुम्हारा भाई पिए टन करके ना, ये था मतलब प्लान इनका। तो ये गांधी के आने के बाद उनको समझ में आ गया ये चीज, उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ गड़बड़ चल रहा है, तो अलग अलग कर रहे हमको ना। तो गांधी ने कहा इकट्ठे रहो, कोई बात नहीं, चाहे तेरा कितना बड़ा तू चुपचाप रह सामने देख बिल्कुल। तो फिर अंग्रेजों पे प्रेशर पड़ा, पॉलिटिकल प्रेशर भी था, भारत एकजुट भी हो गया था। तो उन्होंने अगला जो एक्ट बनाया ना, इतना प्यारा बनाया कि कोई बना ही नहीं सकता वैसा एक्ट, इतना बेहतरीन। क्या चाहिए तुम्हें? तुमने कहा भाई जी मुझे चाहिए चाय, समोसा फ्री में दिया, ऐसा हुआ सीधा, तुमने मांगी थी चाय, उन्होंने समोसा दे दिया तुमको। तो सबसे बेहतरीन एक्टों में एक एक्ट आया, क्या बोलते हैं उसको, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ट, सबसे बेहतरीन। वर्ल्ड वॉर का भी प्रेशर था, ऊपर से भारत एकजुट हो गया था, तो अगला एक्ट सबसे बेहतरीन होता है। और उसके बाद एक ही बचते 1935, दोनों टॉपिक कल करते, आज इतना।